चमत्कार चमत्कार चमत्कार। हर एक आदमी देखो रंग बेकरार, के हो चाहे उसका हर सपना साकार। ये तो है किस्मत के हाथ, कब हो किसका बेड़ा पार, होते रहते हैं अक्सर इस धरती पर चमत्कार 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 चमत्कार। चाहत नहीं है मेहनत की, कमाना चाहे दौलत भी, आसानी से हर एक चीज पाने की है नियत भी। हर किसी का है ये ख्वाब, मिल जाए एक ऐसा चिराग, किसी को कुछ मिल जाए, किसी का कुछ हो जाए। चमत्कार उसे कहते हैं जब अनहोनी हो जाए। चमत्कार 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 चमत्कार। एपिसोड नंबर 9 में आपने देखा कि नम्रता नींद से चौंक कर जाग उठी है, क्योंकि उसे सपना आया है कि प्रेम का एक्सीडेंट हो गया है। प्रेम उसे समझाता है कि मेरे साथ तो अक्सर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, पर नम्रता उसकी एक नहीं सुनती। वो प्रेम को नए सिरे से कान का इलाज कराने को कहती है। प्रेम अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस से डॉक्टर कानवाला के पास जाता है। कानवाला प्रेम के कान का मैकेनिज्म देखकर खुश हो जाती है। वो प्रेम को अच्छा करने का प्रॉमिस करती है। प्रेम घर वालों की राय लेकर ऑपरेशन करवाने तैयार हो जाता है। वो कानवाला के हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां दो लोग प्रेम को बड़ी लालची निगाह से देखते हैं। प्रेम को उन पर बहुत शक होता है, पर कानवाला टाल जाती है। प्रेम को बेहोश किया जाता है और कानवाला बाहर खड़े दोनों आदमियों को बुलाकर कहती हैं कि आप शौक से इसकी किडनी निकाल सकते हैं। तभी प्रेम होश में आता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़कर फिर से बेहोश कर दिया जाता है। अब आगे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ प्रेम, तुम्हें पकड़े हैं किसने? ये छोड़ दो, चिल्ला रहे हो। अरे ये लोग मेरी किडनी चुरा लेना चाहते हैं। कौन लोग? अरे मिस कानवाला एंड कंपनी। क्या? पर तुम तो कहते थे मिस कानवाला डॉक्टर है, उन्होंने कंपनी कहाँ से खोल दी? मिस कानवाला ने मिस्टर किडनी वाला के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब वो लोग पब्लिक की किडनियां चुरा रहे हैं, उसके बाद किडनी मार्केट में पब्लिक इश्यू करेंगे। क्या बक रहे हो? अरे बकरों की नहीं, इंसानों की किडनियां चुरा रहे हैं। तुमसे किसने कहा? नम्रता, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम्हें किस करने की सूझ रही है? मैं पूछ रही थी तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो सो रहे थे। बाप रे बाप, जो औरत सपने में इतनी डरावनी लगती है वो असलियत में कितनी खौफनाक होगी। कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग पर कानवाला सवार हो गई है। नहीं नहीं नम्रता, मैं मिस कानवाला के पास अब नहीं जाऊंगा। वैसे मैं अपने कान को लेकर बदनाम हूँ, अगर किडनी विडनी भी निकल गई तो हैंडीकैप सोसाइटी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब सो जाओ, कल से हम लोग ये बेडरूम बदल देंगे। बाथरूम बदल देंगे क्यों? हाँ, मैं बेडरूम की बात कर रही हूँ। इस बेडरूम में जिसे देखो भयानक सपने आते हैं। सुनो, कल हम लोग गेस्ट रूम में सोएंगे। गेस्ट रूम में, यानी आदमी अपने ही घर में मेहमान बन जाए। चलो अभी सो भी जाओ। खुजाऊं? क्यों खुजाऊं? मुझे खुजली की शिकायत नहीं, कान में खराबी है। हे भगवान! पहलवान, अब इतनी रात गए, पहलवान को मैं कहां से लाऊं? आप सोने का क्या लेंगे? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जरा बिचारी मेरी किडनी बच जाए, मेरा एक कान ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे अपने हाल पे छोड़ दो बस। ओह गॉड, देखा क्या जमाना आ गया है। शोहर की किडनी, लीवर, कान, नाक सब खतरे में, और बीवी जो है खर्राटे मार के सो रही है। कलयुग आने वाला है, कलयुग। नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप सुनना चाहते और सुन नहीं सकते, उसी की तो रामायण है। अरे आखिर सब कुछ तय होने के बाद आप ऑपरेशन करवाना क्यों नहीं चाहते? अरे ये तो वही बात हुई कि शादी के मंडप में आधे फेरे लगाने के बाद दूल्हा अड़कर खड़ा हो गया स्कूटर के लिए। अरे ये तो हमारी लव मैरिज थी, फिर भी आधे फेरे में ही रुक गई थी। क्यों? हाँ, उन्हें महाराज का इंस्ट्रक्शन सुनाई देना ही बंद हो गया था। वो तो मैं थी, गाय को जैसे खींच के लेते हैं वैसे खींच के आधे फेरे पूरी करवाई थी। इसलिए तो शादी आज तक खींच रही हो। जीजा जी, आप अपना इलाज करवाने से इस तरह कतराएंगे ना तो दीदी आपको एक ना एक दिन छोड़ के चली जाएगी। क्यों दीदी, राइट? और डैडी, आप मम्मी की याद में प्यास काटते काटते गाना गाना, छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए। अरे तुम लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। देखो, एक तो मुझे सुनाई कम देता है,
ऊपर से उन्होंने बेहोश करके अगर मेरी किडनी विडनी निकाल दी ना तो फिर मैं वो किडनी वाला की डिस्पेंसरी के सामने खड़े रहकर गाना गा रहा हूँगा, चुरा लिया है तुमने जो किडनी को, अब फेफड़ा नहीं चुराना सनम। सुना मम्मी, डैडी डॉक्टर को सनम कहने के चक्कर में। चुप कर, अब देखो अपने बाप के मुंह पे कीचड़ उछलता रहता है, अपने आप को बड़ा आवारा आशिक समझता है क्या? आपको कौन क्या समझता है ये भूल जाइए, और इतना समझ लीजिए कि अगर आप अपने कान का इलाज नहीं करवाएंगे तो हम सब आपसे बात करना बंद कर देंगे। उसमें डैडी को क्या फर्क पड़ेगा, उन्होंने तो पहले से ही सुनना बंद कर रखा है। मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, ऐसा मौका हाथ से निकलने मत दीजिए। हाँ, मुश्किल से तो कोई आपके कान का इलाज करने को तैयार हुआ है, अब आप अपने सपने की वजह से पीछे मत हटिए, और वैसे भी सपने सच थोड़ी ना होते हैं। अरे ऐसे तो मैंने कल रात को एक सपना देखा था कि अमिताभ बच्चन ने मुझे गोद ले लिया, पर आंखें खुली तो काट का पता चल गया। इसी तरह आपको किडनी चोरी का सपना आया था, इसका मतलब है कि आपके किडनी को काला कौवा भी नहीं सूंघेगा, इसलिए आप भगवान का नाम लीजिए और ऑपरेशन करवा ही लीजिए। नहीं नहीं नहीं, भगवान मारवाड़ी से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑपरेशन का पूरा खर्चा मेरे बॉस ने वादा किया है, वो अपने सर पे ले लेगा कमबख्त। इसलिए कहती हूँ लोहा गर्म है, हथौड़ा पीट लीजिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ आँख कान नाक सबका थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन करवा लीजिए, पैकेज डील में पड़ जाएगा बॉस के खर्चे से। हे भगवान, क्या औलाद दी है, बाप के ऑपरेशन को हॉलीडे रिसोर्ट समझ कर पैकेज डील डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा देखो मेरे बाप लोग, देखो तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो ना तो मैं तुम्हारे खातिर ये रिस्क लेने को तैयार होता हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, अगर मेरे बॉडी में से कुछ कम हुआ ना तो तुम ही सबसे वसूल करूंगा फिर। हम वो नौबत ही नहीं आने देंगे। हाँ, हम तो फिल्म स्टार के कुत्ते की तरह आपकी चौकी करेंगे। ठीक है ठीक है, चलता हूँ और लगे आता हूँ, बॉस को भी थोड़ा चूना लगा लेता हूँ। क्या बोले? अरे ये हमारी मछली बाजार जैसी ऑफिस में इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना सन्नाटा तो बॉस के मरने की खबर में भी नहीं हुआ था। तुम चुपचाप अपना काम करो। वेरी गुड, जिन्हें काम चोरी के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए वो मुझसे कह रहे हैं काम करो। हाँ प्रेम बाबू, क्योंकि आज हमारे बॉस ने रौद्र स्वरूप धारण कर लिया है। ये आप कौन सी भाषा बोल रहे? मेरे ख्याल से राष्ट्रभाषा हिंदी है। वो तो है, लेकिन आप कौन सी भाषा बोल रहे? अच्छा हुआ आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे आज बॉस ने फिर से पगला कहीं का के शम्मी कपूर की तरह एक्टिंग करना शुरू कर दिए। हाँ, सुबह से 20 बार अपने बाल लोच चुके हैं, 25 बार सर खुजा चुके हैं। बॉस के सर में शायद जुएं पड़ गई हैं। कहना पड़ेगा कि सोते वक्त नीम का तेल डाल के सोया कीजिए। अरे हमारे बॉस का सर ही ऐसा है कि उसमें जू तो क्या, दुनिया का कोई भी जंतु प्रवेश करने से डरता है। वैसे प्रेम बाबू, आज हमारे बॉस के क्रोध का कारण बड़ा योग्य है। हाँ, आगरा वाली पार्टी ने हमारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। घाघरे के सब ऑर्डर कैंसिल कर दिए? अरे पर हमने घाघरा चोली का बिजनेस कब से शुरू कर दिया, हम तो लोगों को जूते पहनाया करते थे। हाँ, अब आगरे वाले को हमारा जूता पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ है, वो भी आपकी मेहरबानी से। अरे मैं खुद दूसरों की मेहरबानी पे जिंदा हूँ, मैं किसी पे क्या मेहरबानी करूंगा। पर आप हमारे बॉस पर मेहरबान होकर उस दिन मिस्टर अनूप पांडे की जगह मिस अनूप पांडे को लेकर आए थे। उसकी सजा तो हम भुगत भी चुके हैं, जिसने पुलिस स्टेशन का दरवाजा कभी बाहर से ना देखा हो उसे जेल की इंटीरियर डेकोरेशन का मुआयना करना पड़ा था। आहा, क्या कमाल कमाल के लोग मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जेल में सब हैं भाई भाई। दरअसल हमारी राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का सबसे अच्छा नमूना अंदर जेल में ही मिलता है। प्रेम बाबू जाइए, बॉस को अपना मुंह दिखाइए, आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना, जब बॉस का बुरा वक्त आता है तो मैं ही उनके काम आता हूँ, अब तो मैं ही जाऊंगा तो काम होगा। अरे ये क्यों नहीं कहता कि बॉस को जब जब बुरा वक्त आता है तो इसकी वजह से आता है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये ना पूछो। क्या हुआ सर, ये आप अकेले पागलों की तरह क्या कर रहे हैं सर, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं रोते रोते गा रहा हूं यार। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे महान एक्सपेरिमेंट्स आदमी को जिंदगी में करने चाहिए। पर सर मैंने तो सुना है कि आप कुछ परेशान हैं। अगर तुम सही सुनते होते तो परेशानी किस बात की थी भाई? अरे सर अगर आप सुनाएंगे तो मैं आपकी दर्द भरी दास्तान जरूर सुनूंगा, जैसे कैसे भी है आखिर आप हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे इस अन्नदाता के भूखे मरने के दिन आ गए। वेरी गुड वेरी गुड,
मतलब भाभी जी ने आपको डाइटिंग करने पर मजबूर कर दिया है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर शोहर की तबीयत का ख्याल बीवी रखने लगे ना तो इसका मतलब भी वो उससे सच्चा प्यार करती है। भैया सच्चा झूठा, मैं अपनी रोजी रोटी की बात कर रहा हूँ। रोजी को नौकरी छोड़े हुए तो जमाना गुजर गया, आप अब भी उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। सर देखो प्रेम, मैं गुस्से में आकर तुम्हारा खून कर दूंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, तो मेरी बीवी को विधवा बनाने पे क्यों तला है यार? सर भाभी जी ये पहले ही झूठ मूठ विधवा का रोल तो एक बार कर चुकी हैं, अब दोबारा इस कैरेक्टर में तो कोई चांस बचा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका उनसे झगड़ा शुरू हो गया है तो हम कोई दूसरी स्कीम सोचते हैं। वैसे सर आपस की बात यह है कि हमने आपके घर की यह भड़कती हुई आग को बुझाने का फैसला कर दिया। सर आप एक कृपा करेंगे? हाँ सर, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आप जरा वहां बाहर कैबिन में जाकर बैठेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम की वजह से आगरा वाले अनूप पांडे ने जो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है उन्हें कैसा पटाया जाए उसके बारे में मैं जरा सोचूं। अभी तक आप ये लड़कियों को पटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपको याद नहीं सर, वो अनूप पांडे के चक्कर में गुंडों ने कैसा फुटबॉल बना बना के आपको मारा था, और पुलिस ने आपको मार मार के मोहनजोदड़ो की पुरानी मूरत बना दिया था। अबे हड़प्पा की हड्डी, मैं आगरा वाले अनूप पांडे की बात कर रहा हूँ, तू मोहनजोदड़ो का इतिहास क्यों पढ़ा रहा मुझे यार? सर आपको पढ़ाने वाला मैं कौन हूँ, आपको तो अच्छे अच्छे पढ़ा के हार जाएंगे। लेकिन सर क्या ये लड़कियों का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, इसमें तो बड़े बड़ों के तख्ते उलट जाते हैं, आपकी तो हैसियत ही क्या है। सर हम जब बचपन में, आप तो तब जवान रहे होंगे, आपको क्रिस्टीन कीलर याद है ना सर, ब्रिटेन की पूरी कैबिनेट हिल गई थी। अभी मैं हिल गया हूं अभी। और सुन, तू मुझे अपनी बेवकूफी के पत्थर मार मार के यार मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। जाके बाहर जा, बाहर जाके बैठ। सर अगर आपको इम्तिहान ही देने का शौक है तो हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज पढ़िए। आप ये अनु पांडे कॉलेज में क्यों भर्ती हो रहे हैं, इनका तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी खतरनाक होता है। सर शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है सर, लेकिन पहले आप मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए। अभी भी कुछ सुनना बाकी है? हाँ सर, मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी? और तुम? यस सर। सर मैंने अपने कान के लिए एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी पागल सी डॉक्टर ढूंढ ली है। अच्छा तो मैं क्या करूँ, नाचूं? सर मैंने मिस कान वाला से यही कहा था, जब मेरे बॉस से खबर सुनेंगे ना तो इसी तरह पागलों की तरह डांस करने लगेंगे। लेकिन सर माफ कीजिएगा, जब आप डांस करते ना तो मुझे भगवान दादा की फिल्म का वो पुराना गाना याद आता है, क्या था वो? हाँ, बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। प्रेम, प्रेम तुम बहुत नसीब वाले हो प्रेम, के अपना रिवॉल्वर मैं आज साथ नहीं लाया, वरना छह की छह गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में खर्च कर देता। हाँ सर मुझे पता है, मेरे ऑपरेशन का पूरा खर्च आपने लेने के लिए प्रॉमिस किया है, इसीलिए तो मैं आपको ये खबर सुना रहा हूँ। मेरे माथे में बेवकूफ गधा ऐसा लिखा लगता है क्या? बेवकूफ गधा, दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा, नजदीक से खोपड़ी खोल के देखो। नजदीक से भी नजर नहीं आएगा इडियट। सर इडियट भी नहीं दिखाई दे रहा। शट अप, बैक अप। अच्छा सर, ओके। तुमने मेरा लाखों का नुकसान कराया है। आगरा की वो पार्टी ताजमहल भाना उससे पहले हमारे खानदान से जूते खरीदते आई, और 500 साल में पहली बार आज उन्होंने दूसरी तरफ देखा है, और तुम चाहते हो कि ऊपर से मैं तुम्हें पैसे दूं? नहीं सर, ऊपर से मुझे कुछ मत दीजिए, जितना हॉस्पिटल का खर्चा है ना उतना ही आप दीजिए, ऊपर से एक रुपया भी लेना मेरे लिए हराम। हराम तो मैं तुम्हारा जीना कर दूंगा। थैंक यू सर। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल कर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दूंगा। जाओ अकाउंटेंट के पास जाओ और अपना चेक कलेक्ट कर लो, जाओ। अरे सर चेक तो हॉस्पिटल वाले लेते ही ना कमबख्त, रुपया रोकड़ा बनते रोकड़ा लाओ लाओ ऐसा बोलते। सर आजकल तो आपको पता है ना, हॉस्पिटल चलाना और बनिए की दुकान चलाना बराबर हो गया, पहले ही पैसा मांगते। और वैसे भी सर भगवान की कृपा से आपके पास तो काले बाजार का बहुत पैसा है, यही मौका है, काले को थोड़ा सा सफेद कर लीजिए ना सर। उठ। क्या सर? उठ जाओ। क्या घूमने जाए? स्टैंडिंग। अच्छा हाथ हाथ इधर इधर, ये मेरा गला है इसे दबा दे ताकि इसमें से आवाज नहीं निकलेगी और तुझे गलत सुनने का पाप नहीं लगेगा। घोड़ दे इसको यार। नहीं सर, मैं आपका गला कैसे घोट सकता हूँ सर, आपका गला तो मेरे लिए ऐसे ही पावन है जैसे हरिद्वार का गंगा घाट। नहीं सर। और सर अगर आपके पास रोकड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बैरर चेक दे दीजिए, मैं कैश करा लूंगा। मतलब तू पैसे लेकर ही मेरी जान छोड़ेगा? हाँ सर। ठीक है, दे दो पैसे। आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो प्लीज
से निकालो यार, इसे यहाँ से निकालो। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं ठीक होकर ही लौटूंगा। लेकिन सर आप रोइए मत सर, अगर आप इस तरह हिम्मत हार लेंगे तो इन बेचारों का क्या होगा? आखिर मेरे बाद ऑफिस का भार तो आप ही के ऊपर है ना सर। मेरे बॉस का ख्याल रखना है, कभी कभी इनको ऐसा दौरा पड़ता है, लेकिन आप लोग घबराना मत। अच्छा सर। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? प्रेम, प्रेम। अरे वो महंगे वाले बासमती चावल तो नहीं है ना, बाद में उठा लेना। इतने सारे फूल फेंकने की जरूरत, जिसकी आरती उतारनी चाहिए उसकी तो उतार नहीं रहे। जल्दी करो, तीन तीन बार इधर, तीन तीन बार उधर। मम्मी तो डैडी को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है जैसे डैडी कोई जंग में जा रहे हो। नहीं 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 डॉक्टर, कानवाला के सभी औजार इंपोर्टेड और फ्रेश है, किसी को भी जंग नहीं लगा है। डैडी का कान अगर अच्छा हो गया तो हम लोगों को कॉमेडी के लिए नया ट्रैक सोचना पड़ेगा। हाँ जीजू अच्छे हो गए तो इस घर से हंसी की फुलझड़ियां ही गायब हो जाएंगी। कितना शोर मचा रहे तुम लोग, शांति से पूजा भी करने नहीं देते। चलो तुम अब बाएं पैर बाहर निकालो, बाया पैर बाहर निकालो। निकाला ना, बाया 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 पैर। आ बाया तो ऐसा करो ना बाया, मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ या मार्चिंग क्लास में भर्ती होने जा रहा हूँ, ये पैर वो पैर आ गया। अरे एक मिनट जीजू, दही खा के जाइए। जीजा जी खाइए। इतना बासी और खट्टा दही। अब चलो। कहाँ चलूँ? चलो जाओ। अरे हाँ मुझे तो कान कटवाने जाना है, चलो। हे भगवान, मेरे पति को अच्छा करके ही इस घर में भेजना। मीट माय फैमिली, ये है मेरी बीवी, नहीं कहाँ मेरी बीवी, ये है मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे और ये मेरी साली। हेलो हेलो, ये है मिस कानवाला। आप सबको तो सरकार की ओर से शौर्य पदक मिलना चाहिए। क्यों? अरे इनके साथ इतने साल बिताने के लिए। अच्छा प्रेम बाबू, चलिए आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है ना? हाँ पूरी तो इन्होंने मुझे नाश्ते में सुबह खिला दी थी। ये तो फॉर्मेलिटीज पूरी करने का कह रहे हैं। ओ फॉर्मेलिटीज, हाँ बिल्कुल पूरी कर ली है। मैं तो घर मोहल्ले गली सबके छोटे बड़े बच्चे सबको मिल के आया हूँ। क्या क्या आऊँ कि अगर डॉक्टर के हाथ से बच के वापस आ गया तो फिर मिलूंगा, नहीं तो कहा सुना माफ। एक्चुअली डैडी आपको सिर्फ कहने की माफी मांगनी चाहिए, रही बात सुनने की, वो गलती तो आप कभी करते ही नहीं। चुप। चलिए प्रेम बाबू, जीजा जी ऑल द बेस्ट। अच्छा ऑल द बेस्ट, नम्रता मैं जरा होके आता हूँ। अब तक तो भगवान ने साथ दिया है, अगर ऑपरेशन थिएटर में हाथ दे दिया और ऊपर उठा लिया तो तुम एक काम करना, मेरे इंश्योरेंस के पैसे जो है ना ध्रुपद मेहता की शेयर कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, वहाँ प्रॉफिट अच्छा मिलता है तो तुम लोगों की दाल रोटी का सवाल नहीं रहेगा। यानी हमें दाल रोटी खानी पड़ेगी। और मेरे जो प्रोविडेंट फंड के पैसे है ना वो इन दो नटखटों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट में रख देना। और नम्रता तुम अपनी सफेद साड़ियों पे ज्यादा खर्च मत करना, अपनी पुरानी रंगीन साड़ियों से काम चला लेना। और देखो बदमाशों, तुम अपनी मम्मी का खूब ख्याल रखना है, उनको सताना वताना नहीं। और विप्रा तुम अपनी शादी में मुझे जरूर याद रखना, अपने कार्ड की RSVP में मेरा भी नाम लिखना है। अच्छा गुड बाय, हाँ गुड बाय। चालनी बाबा, हिंदी फिल्म ना हीरो नी जब मेलोड्रामा मत कर। अरे ये कान का ऑपरेशन है, किडनी का नहीं। किडनी? किडनी का तो नाम ही मत लेना। हाँ चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। घर जाने का तो नाम ही मत लेना। चलो गाड़ी चलिए, चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डैडी पूरे बहरे हो जाएंगे। चुप। वैसे भी आधा सुनने से ना सुनना कम खतरनाक होता है। चुप चुप बोल। अरे ये क्या हुआ? वैसे भी ऐसा कुछ तो होना ही था, ये हमारे डैडी का कान है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ओ खुदा यार शू थे, जल्दी जनरेटर चालू करवाओ। मैडम जनरेटर तो आज सुबह ही फेल हो गया था। फेल हो गया और आप अभी मुझे बताते हैं? जाओ मोमबत्ती लेके आओ जल्दी, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं अंदर से स्टिचेस ले लेती हूँ, जाओ जल्दी। फोन फोन कर दे। अरे कैसा आदमी है, मैं टेंशन में पूरी रात सोई नहीं और तू घोड़े की माफक ही दांत निकलता है। अरे मगर तूने बात ही हंसने लायक की है, तो अटली सीरियस बात ने कॉमेडी समझे। रोशन दिस इज इंडिया, तुम अगर यहाँ इतना डर कर रहोगी ना तो तुम्हारे दवाखाने में उल्लू तक नजर नहीं आएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। रोशन हमारे यहाँ लोग डॉक्टर को भगवान का एक रूप समझते हैं और उनकी गलती को भगवान की गलती समझकर उन्हें मुआफ कर देते हैं। हाँ? तुमने तो लाइट चली जाने की वजह से सिर्फ अंधेरे में मजबूरन ऑपरेशन किया, यहाँ के डॉक्टर दिन दहाड़े अपने हथियार पेशेंट के पेट में भूल जाते हैं। सुन बात करे जी। बिल्कुल। अरे पिछले महीने एक सर्जन की पैर ऑफ सीजर्स गुम हो गए। हाँ? खो गए। आखिर में बहुत सोचने के बाद उस जनाब को पता चला कि एक औरत का ऑपरेशन करते वक्त वो कैंची उसके पेट में ही भूल गए थे। उस सर्जन ने दोबारा पेशेंट को बुलाया, दोबारा उसका पेट खोला और अपनी कैंची निकाल ली। अरे तुम तो पेट खोलने की बात ऐसे कर रहे हो जैसे कोई लकड़े का कबाट खोलना हो। Don't worry, I'm just joking. तो ठीक है, तुम्हें पता है जब मैं अमेरिका में थी तो वहाँ डॉक्टरों की एक छोटी सी भूल के लिए उन्हें करोड़ों रुपया जुर्माना भरना पड़ता था। अमेरिका की बात ही जाने दो, अमेरिका की बात ही छोड़ दो, वहाँ के लोगों के पास क्या कुछ काम होता नहीं ना, इसलिए आपस में मुकदमा मुकदमा खेलते रहते हैं। मगर रोशन यहाँ का पेशेंट बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने डॉक्टर के खिलाफ केस दाखिल किया तो उसका निकाल लगते लगते डॉक्टर का पोता भी डॉक्टर बन जाएगा। यानी मैं फिक्र करना छोड़ दूँ? बिल्कुल। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ रोशन कि पेशेंट से सारे फॉर्मेलिटीज फॉर्म्स पे साइन तो ले ली? अरे हाँ हाँ, दो दो बार ली है। बस 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 बस, बाकी की फिगर मुझ पर छोड़ दो। रोशन एक बात बताओ, ये तुम्हारा ऑपरेशन फ्लॉप होने के, आई रिपीट, फ्लॉप होने के चांसेस कितने हैं? 99%। यानी रोशन तेरी मेहरबानी से वो बेचारा आधा बहरा आदमी क्या पूरा बहरा हो जाएगा। हाँ शायद। रोशन तू एक काम कर। अब बोलो। उसकी पट्टी खोलते वक्त तू इस शहर से बाहर चली जा। अरे पर ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो तुम्हारा काम है, तुम सोचो, डोंट गिव मी टेंशन फॉर दैट। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो पेशेंट है वो खुद अपने आप उसकी पट्टी खोले या फिर किसी अपने घर वाले से खुलवाए, दैट्स ऑल। फिर वो है, मैं हूँ, और हाँ अगर उसने चाहा तो अदालत। चमत्कार हर एक आदमी देखो घर बेकरार, के हो जाए उसका हर सपना साकार। ये तो है किस्मत के हाथ, कब हो किसका बेड़ा पार, होते रहते हैं अक्सर इस धरती पर चमत्कार। चमत्कार 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 चमत्कार। चाहत नहीं है मेहनत की, कमाना चाहे दौलत भी आसानी से हर एक चीज।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.